नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और टैली के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 से वीडियो को देखें तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे वाउचर एंट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लेजर क्रिएशन, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे वाउचर एंट्री के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम लोग टैली में चलते हैं और वाउचर एंट्री देखते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में देखा था कंपनी क्रिएशन, कंपनी कैसे क्रिएट होती है। सेकंड स्टेप में लेजर क्रिएशन हम लोगों ने देखा था और ये आज का हमारा थर्ड स्टेप है वाउचर एंट्री। तो हम लोग देखेंगे कि लेजर क्रिएट करने के बाद इसमें वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग टैली पे जाएंगे, यहाँ पे गए, F1 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, कंपनी सेलेक्ट का होता है, और यहाँ से हम अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, हीरो एंड कॉम नाम की कंपनी थी, सेलेक्ट किया, एंटर कर देंगे, कंपनी हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीन कंपनियाँ खुली हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक GST डेमो 5 नाम की कंपनी खुली है, एक हीरो एंड कॉम नाम की कंपनी खुली हुई है, दूसरी टेस्ट नाम की कंपनी खुली है। लेकिन हीरो एंड कॉम नाम की जो कंपनी है, ये यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसीलिए ये शो कर रहा है कि ये सिलेक्टेड है और इसी पे हम इस समय करेंटली वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जाएंगे वाउचर एंट्री में। दोस्तों, लेजर एक बार चेक कर लेते हैं। लेजर चेक करने के लिए हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और ऑल्टर पे जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे लेजर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हम बाहर आ जाएंगे स्केप बटन के मदद से। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। दोस्तों, हमें वाउचर एंट्री करनी है, ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करने हैं, तो ट्रांजेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की है V। दोस्तों, इस मेनू में जो भी ऑप्शन का जो अल्फाबेट हाईलाइट हो रहा है, जैसे अकाउंटिंग वाउचर का V हाईलाइट हो रहा है, अकाउंट्स इन्फो का A हाईलाइट हो रहा है, इन्वेंट्री इन्फो का I हाईलाइट हो रहा है, डिस्प्ले का D हाईलाइट हो रहा है, जो बोल्ड है हाईलाइट हो रहा है, उस अल्फाबेट को प्रेस करेंगे, वही हमारा शॉर्टकट की होता है। यहाँ पे हमने V प्रेस किया, हम वाउचर एंट्री में चले गए। दोस्तों, यहाँ पे वाउचर एंट्री में जाएंगे तो मैं एक चीज़ बता दूँ, कभी कभी कुछ कंपनियों में, कुछ टैली के सॉफ्टवेयर में यहाँ पे अकाउंट शो करने लगता है ऊपर इस पोजीशन पे। मैं दिखाता हूँ, F12 बटन प्रेस करेंगे, ये आया। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, ये नो है। कभी कभी इसमें इनिशियली जब भी टैली हम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें ये एस होता है। तो दोस्तों, जब ये एस होगा तो आप लोगों को ऐसा शो करेगा, अकाउंट यहाँ ऊपर शो करेगा। तो ये हमारा सिंगल एंट्री मोड होता है दोस्तों, इसको हम लोग चेंज कर देंगे डबल एंट्री मोड में। सिंगल एंट्री मोड को हम लोग ऑफ कर देंगे, यहाँ पे F12 बटन प्रेस करेंगे और सेकंड ऑप्शन इसको नो कर देंगे, NO, एंटर करेंगे, एंटर करके इस मेनू को सेव कर देंगे। एक सेव हो गया हमारा। अब दोनों डेबिट डेबिट शो कर रहा है यहाँ पे, डेबिट डेबिट, स्केप करके बाहर जाएंगे और दोबारा हम अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर हो जाएंगे। इतनी सेटिंग दोस्तों आप लोगों को करनी रहेगी। अगर आपके में यहाँ पे डेबिट शो कर रहा है या क्रेडिट शो कर रहा है या टू शो कर रहा है, बाई शो कर रहा है, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऊपर यहाँ पे इस प्लेस पे अकाउंट शो करेगा तब आप लोगों को ये सेटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें वाउचर एंट्री हमें करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अपने क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से थे, जो हमारे पास असाइनमेंट था वो क्या था। दोस्तों, हमारे पास ये असाइनमेंट था, कैपिटल 50 लाख रुपए, बैंक डिपॉजिट 20 लाख रुपए, बैंक विड्रॉल 10 लाख रुपए, परचेज 50,000 रुपए, सेल्स 1 लाख रुपए, वेजेस 500, सैलरी 10,000, रेंट 500, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000, टेलीफोन बिल 500। तो दोस्तों, इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग अब टैली में चलेंगे वाउचर एंट्री। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
कि अब हम लिस्ट को जरा देखते हैं। इस लिस्ट को हमने लेजर बनाते समय इसकी मदद ली थी। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का अंडर हमारा कैपिटल अकाउंट जा रहा था। अब दोस्तों हमें इसकी ज़रूरत है, ये वाउचर्स की और शॉर्टकट की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पे टैली में हम लोग जब एंट्री करेंगे तो एक चीज़ हमें ध्यान देनी होती है कि यहाँ पे वाउचर कौन सा है। जैसे यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे प्रॉपर जो भी एंट्री हम कर रहे हैं, जिस लेजर की एंट्री कर रहे हैं, उस लेजर के लिए प्रॉपर वाउचर कौन सा होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये गलत हो गया तो आपकी सारी एंट्री बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे वाउचर कौन सा होना चाहिए? तो इसीलिए हमने हेल्प के लिए ये लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करी हुई है। इस लिस्ट पे जाइए और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट की एंट्री करनी होती है। जैसे जैसे दोस्तों उसमें क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं, एकदम स्टेप वाइज उसी तरह से असाइनमेंट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो दोस्तों सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है हमारा, तो कैपिटल अकाउंट का जो वाउचर होगा ये हमारा रिसिप्ट वाउचर होगा। और रिसिप्ट आएगा कैसे? F6 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तब हमारा रिसिप्ट आएगा। तो टैली में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, रिसिप्ट नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? F6 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, F6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिसिप्ट आ गया। और रिसिप्ट आने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट इसका चेंज हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। पहले डेबिट शो कर रहा था, जैसे ये देखिए पेमेंट में डेबिट शो कर रहा है लेकिन रिसिप्ट में क्रेडिट शो कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आप लोगों को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में जो हमने वाउचर एंट्री बताई थी, ये जो मैन्युअली हमने वाउचर एंट्री बताया था कि जब हम कैपिटल की एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। तो दोस्तों हमने बताया था स्टार्टिंग में जब मैनुअल एंट्री करते हैं तो इसमें डेबिट वाला सेक्शन हमेशा ऊपर होता है, क्रेडिट वाला हमेशा नीचे होता है। यहाँ पे देखिए डेबिट ऊपर है, क्रेडिट नीचे है, यहाँ पे डेबिट ऊपर है, क्रेडिट नीचे है। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर में जब हम टैली पे काम करते हैं तब ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऊपर डेबिट वाली चीज़, डेबिट वाला लेज़र कंप्यूटर हमसे मांगने लगता है, कभी कभी ऊपर क्रेडिट वाला लेज़र मांगने लगता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान देना है, इस जगह पे हमारा डेबिट वाला कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा या क्रेडिट वाला एक्सेप्ट करेगा लेज़र। तो दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट वाला लेज़र पूछ रहा है। तो हम लोग वाउचर एंट्री में हम लोगों ने देखा था कि जब हम कैपिटल की एंट्री करेंगे तो टू के साथ में कैपिटल लगेगा, यानी कि कैपिटल क्रेडिट होगा और कैश हमारा डेबिट होगा। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे क्रेडिट के साथ में क्या लगेगा? कैपिटल। ये हमने कैपिटल लगाया 50 लाख रुपए का। एक सेकेंड, अमाउंट शायद गड़बड़ हो रहा है। 5 लाख रुपए है दोस्तों, कैपिटल हमने लगाया 5 लाख रुपए का। दोस्तों एंटर किया हमने, एंटर करने के बाद यहाँ पे डेबिट के सामने कर्सर है, एक बार और एंटर कर देंगे तो ये डेबिट के आगे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कैश एक्सेप्ट कर लेना है, इधर से कैश यहाँ से ले लेना है, इस जगह से एंटर करेंगे। ये हो गया हमारा, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हमारी एंट्री सही हो गई। दोस्तों नरेशन में यहाँ पे देना चाहें तो कुछ नरेशन दे सकते हैं। दोस्तों एंटर करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ये हमारी कैपिटल की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट कौन सी एंट्री है हमारी? नेक्स्ट है बैंक से डिपॉजिट और विड्रॉल की एंट्री। दोस्तों इसके बाद हम लोग बैंक डिपॉजिट की एंट्री देखेंगे। बैंक डिपॉजिट करने के लिए हम लोग फिर से लिस्ट पे जाएंगे अपने, यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, बैंक की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा वाउचर लिखा हुआ है, और कॉन्ट्रा वाउचर आएगा कैसे? जब हम F4 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तब हमारा कॉन्ट्रा वाउचर आएगा। तो दोस्तों हम लोग जाते हैं फिर से टैली में और यहाँ पे F4 हमने प्रेस किया। हमें बैंक डिपॉजिट की एंट्री करनी है। बैंक डिपॉजिट में यहाँ से देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू के साथ कैश लगेगा यानी कैश क्रेडिट होगा। 2 लाख रुपए का बैंक डिपॉजिट है, टैली में गए तो दोस्तों यहाँ भी क्रेडिट पहले पूछ रहा है हमारा, तो क्रेडिट के साथ यानी टू के साथ हमारा कैश लगेगा, यहाँ से कैश ले लेंगे।
एंटर किया 2 लाख रुपए, एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम ले लेंगे बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का नाम लिखेंगे, इधर से हमारा बैंक का लेजर सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट साइड से, और इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करके दोस्तों यहाँ पे बैंक का कुछ डिटेल्स पूछने लगता है, नंबर ऑफ कैश, नंबर ऑफ नोट्स पूछने लगता है कि कौन कौन से कितने कितने के नोट्स हैं, इसको हम चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर करेंगे और ये हमारा सेव हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद है हमारा बैंक विड्रॉल की एंट्री। तो बैंक विड्रॉल में क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, तो टू के साथ में हमारा बैंक लगेगा यानी क्रेडिट के साथ में बैंक लगेगा, एंट्री यहीं पे होगी। हमने ले लिया बैंक विड्रॉल, बैंक विड्रॉल का अमाउंट क्या है 1 लाख रुपए, यहाँ पर हमने लिखा 1 लाख। एंटर करेंगे अगेन वही सारी डिटेल्स और यहाँ पे कैश ले लेंगे। ये हमारी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री वही है बट कंप्यूटर में नीचे ऊपर एडजस्ट किया हुआ है, उल्टा हो गया है। हम लोग कॉपी में मैन्युअली डेबिट को ऊपर लिखते थे लेकिन इसमें क्रेडिट को ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि कौन सा लेजर ये मांग रहा है, जिस वाउचर में जो लेजर मांगेगा वो लेजर हम यहाँ पे देंगे इसको। एंटर करेंगे, एंटर। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 50,000 का परचेज हो रहा है टेलीमेगा दोस्तों। परचेज हमारा फिर से लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि कौन से वाउचर में होगा। तो परचेज, परचेज हमारा परचेज यहाँ पे है और परचेज अकाउंट का ही वाउचर होता है, तो परचेज वाउचर में जाएंगे। कैसे आएगा दोस्तों, F9 जब शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तब हमारा परचेज वाउचर आएगा। तो यहाँ पे गया, F9 बटन प्रेस किया दोस्तों, F9 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे दोस्तों, हम परचेज में जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है कि कैश से परचेज करना है या बैंक से करना है या किसी पार्टी से हमें परचेजिंग करनी है, तो हम कैश ले लेंगे, कैश के थ्रू परचेज करना है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये दोस्तों सप्लायर की डिटेल्स रहती है, कैश है तो कोई डिटेल नहीं रहेगी। एंटर करके और यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज अकाउंट होगा, एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नेम ऑफ आइटम्स पूछ रहा है यानी कि इन्वेंट्री की चीज़ें ये पूछ, ये कह रहा है कि हमें स्टॉक मेंटेनेंस करने के लिए जो आइटम्स हम खरीद रहे हैं उस आइटम का नाम बताएं। तो दोस्तों अभी हम लोग अकाउंट विद इन्वेंट्री पे वर्किंग नहीं कर रहे हैं, हमें आइटम का नाम नहीं बताना है, हमें एज इट इज़ कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ले लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ से, इधर देखिए दोस्तों राइट साइड में कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एज वाउचर, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वी, कंट्रोल वी हम प्रेस करेंगे दोस्तों, ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया कैश क्रेडिट हो गया, ये एंटर कर देंगे 50,000 का और परचेज हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से हमने एज वाउचर किया हुआ था, अभी एज इनवॉइस शो कर रहा है, तो जो हमारा मोड था वो इनवॉइस मोड में था, उसको हम लोग एज वाउचर मोड में चेंज कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं या हम कंट्रोल वी के साथ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंटर। अब दोस्तों हमें सेल करनी है, F8 शॉर्टकट की होती है सेल्स की, इसमें भी सेम वही ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो इसको हम पहले ही चेंज कर लेंगे एज वाउचर, यहाँ पे क्लिक करेंगे एज वाउचर हो जाएगा। अब सेल्स करते समय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है,
तो यहाँ डेबिट दोस्तों ऊपर शो कर रहा है, तो कैश डेबिट कर लेंगे। एंटर 1 लाख रुपए, टू सेल्स, एंटर एंटर, ये हमारी सेल्स की एंट्री हो गई दोस्तों। अब सेल्स के बाद हमारा वेजेस है 500 रुपये, सैलरी है 10,000 रुपये, रेंट है 5,000 रुपये, इसकी एंट्री हमें करनी है। तो दोस्तों ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे एक्सपेंसेस हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों ज़्यादातर उनकी एंट्री जो होती है हमारी वो पेमेंट वाउचर में होती है। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर आ जाएगा हमारा। पेमेंट अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए लिस्ट में जाके, वेजेज, ये वेजेज है आपका दोस्तों, पेमेंट वाउचर है और F5 शॉर्टकट की है इसकी। टैली में आएंगे, F5 हमने प्रेस किया, पेमेंट आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेबिट ऊपर पूछ रहा है और क्रेडिट नीचे। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग कॉपी में मैन्युअली डेबिट ऊपर और क्रेडिट नीचे करते हैं, पेमेंट वाउचर में बिल्कुल वैसे ही आपका चलता है। तो यहाँ से हम ले लेंगे वेजेस, वेजेस हमने ले लिया, यहाँ पे देखिए एंटर, 500 रुपये का वेजेस है हमारा, एंटर करेंगे और यहाँ पे कैश पे कर देंगे। इसके बाद सैलरी है दोस्तों, ये भी इसी में होगा, सैलरी 10,000 रुपये की, कैश। इसके बाद हमारा टेलीफोन बिल है, एक सेकंड देख लेते हैं। सैलरी के बाद रेंट है, रेंट के बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, देन टेलीफोन बिल है। रेंट 5,000 है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 है और टेलीफोन बिल 500 है। रेंट 5,000, कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक हज़ार, टेलीफोन बिल 500, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000, टेलीफोन बिल 500, दोस्तों ये एंट्री आपकी फिनिश हो गई। जो फर्स्ट असाइनमेंट था, ये जो पहला असाइनमेंट जो हमने लेजर करवाया था, ये पूरे असाइनमेंट का ये आपका टेलीफोन बिल तक एंट्रीज हो चुकी। दोस्तों एंट्री होने के बाद हम लोग देखते हैं अगला स्टेप, रिपोर्ट सेक्शन में हम लोग जाते हैं। यहाँ से रिपोर्ट सेक्शन, रिपोर्ट चेक करेंगे। रिपोर्ट में दोस्तों जाके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, बैलेंस शीट चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं और डे बुक चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे रिपोर्ट सेक्शन में जाके। तो यहाँ पे गए, एंट्री हमारी हो चुकी है, स्केप करके हम बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट है दोस्तों आपका, और रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस, ये अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों ये आपका शो कर रहा है नेट प्रॉफिट 9,33,000 रुपये, नेट प्रॉफिट आपका शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो हमें डिटेल्स शो करेगा, ये देखिए डिटेल शो कर रहा है, 50,000 का परचेज किया है मैंने और 10 लाख का सेल किया है, 1 लाख की जगह पे 10 लाख हो गया है दोस्तों, इसीलिए प्रॉफिट इतना ज़्यादा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों, इसके दो सेक्शन हैं आपका, यहाँ से ये 20 से डिवाइडेड है बिल्कुल, ये आपका लेफ्ट सेक्शन है ये पोर्शन पूरा, और ये पोर्शन आपका राइट सेक्शन है दोस्तों। लेफ्ट सेक्शन में आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस शो करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो सारे एक्सपेंसेस हो गया, परचेज हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये सभी आपके लेफ्ट साइड में शो करते हैं दोस्तों। राइट साइड में आपके सारे इनकम शो करते हैं,
सेल्स हो गया या और कोई इनकम हो गया, जैसे आपका रेंट क्रेडिट हो गया या कहीं से कमीशन रिसीव हो रहा है या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये सभी हमारी राइट साइड में शो करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर जैसे इसमें कोई एक्सपेंस हमारी राइट साइड में शो कर रही है, इसका मतलब कि उसमें कुछ गलती है, या हमारा कोई इनकम लेफ्ट में शो कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें भी कोई कुछ गलती है, उसे हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये जो हमारी एंट्री हुई है, इसमें कहीं पे कोई गलती नहीं है, करेक्ट करना भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो टोटल सेल्स होता है, मैं इसके फार्मूले को देखता हूँ दोस्तों। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट इनकम्स। इसको कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमारा ग्रॉस लॉस शो करेगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद दोस्तों नेट प्रॉफिट होता है आपका, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके साथ भी वही कंडीशन है दोस्तों, ये कैलकुलेट करने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो नेट प्रॉफिट शो करेगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो ग्रॉस नेट लॉस शो करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं टैली में। ये देखिए, यहाँ पे ये टोटल परचेज है 50,000 रुपये, टोटल सेल्स है हमारे पास 10 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 500 रुपये, एक ही है, इसमें से 500 माइनस हो गया, 9,49,500 रुपये, और परचेज माइनस हो गया और वेजेस माइनस हो गया, 9,49,500 रुपये हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आई। इसके बाद से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 16,500 हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस करने के बाद 3,33,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आया। तो दोस्तों, ये हो गया। मेरे चैनल को देखते रहिए, और ये मेरी मेल आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को सर्च करने के लिए टैली बाय विष्णु सर YouTube.com पे लिखें, और इससे मेरा चैनल आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचेगा जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी इसको सीख सकते हैं, जिससे कि किसी न किसी माध्यम से किसी की मदद हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।